Welcome to Virtual Learning Network. This is Session 3, Wages and Salary Administration. Topics to be covered include economic and behavioral issue in compensation, introduction part, select wage theories and economic issues, third, behavioral theories and relevant issues. Introduction. Wages are determined by both the supply of and the demand for that particular type of labor. Wages एक labor की determine होती है, निकालते हैं supply से भी और demand से भी, उस labor से, उस labor की कितनी demand है और कितनी supply है उससे हम उसकी wages निकालते हैं. By regulating the supply of trained personnel, professions can maintain or hike the supply of price. अगर हमें किसी के demand और supply पता है किसी भी worker की या laborers की, उसी हिसाब से हम उसके price में fall या rise hike कर सकते हैं. The economic theories of wages fail to provide a complete explanation of the problem of wage determination. जो economics theory बनी थी wages की, वो कोई conclusion पे नहीं आ सकी हैं कि wage exactly में determine कैसे करें. In general हम देखते हैं कि बहुत सारे factor होते हैं जो wages determine करते हैं worker की. एक worker की wages depend करती है कि उसकी skill कैसी है, कौन सी skills उसमें हैं, उसके पास कितना experience है, कितनी एबिलिटी है, उसकी रेपुटेशन क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आर्टिस्ट है, मॉडल है, प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, लॉयर है, तो उसकी रेपुटेशन क्या है, इमेज क्या है, इन सब चीज़ों पे वेजेस डिपेंड करती है. नेक्स्ट इज सेलेक्टिव वेज टी ड्राइव्स दी इकोनॉमीज इश्यूज. इन दिस वी हैव फर्स्ट सब्सिस्टेंस theory. David Ricardo states the price of labor depends on the subsistence of labor. David Ricardo थे, उन्होंने अपनी एक famous book Principles of Political Economy and Taxation में एक theory present करी थी, subsistence theory of wages. उन्होंने उसमें कहा था कि जो labor का price है, price of labor, वो depend करेगा उसकी subsistence पे. The subsistence wage theory is based on the assumption that labor, like any other commodity, is purchased and sold in the market. जो subsistence wage theory है वो एक assumption पे based है कि labor जो है वो market में उसी दाम पे purchase और sold होगा, और long run में जो labor की value होगी वो equal होगी उसकी cost of प्रोडक्शन की. जो लेबर कॉस्ट होगी वो इक्वल होगी उस अमाउंट के जितना अमाउंट लेबर की मेंटेनेंस में और उसकी फैमिली में खर्च हो रहा है या स्पेंड हो रहा है. दिस प्राइस इक्वल्स द अमाउंट ऑफ कमोडिटीज नेसेसरी टू फीड एंड क्लोथ अ वर्कर एंड हिज फैमिली व्हिच रिप्रेजेंटेड द कॉस्ट टू सोसाइटी ऑफ इनेबलिंग द लेबरर्स टू सब्सिस्ट एंड टू परपेचुएट देयर रेस. जो लेबर की कॉस्ट होगी, जो लेबर की कॉस्ट होगी वो डिपेंड करेगी कितना अमाउंट उसकी कमोडिटीज में स्पेंड कर रही है एक पर्टिकुलर फैक्ट्री, इन टर्म्स ऑफ उसकी फीडिंग में जो उसको फूड प्रोवाइड कर रही है, या उसको क्लोथ प्रोवाइड कर रही है, या जितने भी एक्सपेंसेस वो उसकी फैमिली में खर्च कर रही है, वो डिपेंड करता है कि वेजेस की कॉस्ट कितनी होगी. Now, this subsistence wage theory is criticized many on the following grounds. जो subsistence wage theory है, ये criticized करी थी बहुत सारे लोगों ने following grounds में. First one is the assumption that the supply of labor is perfectly elastic at the subsistence wage level is incorrect. पहली assumption जो दी गई थी कि जो supply of labor होगा वो perfectly elastic है, ये एकदम गलत है. दूसरी,
the theory ignores the importance of the role of the demand for labor and the role of trade unions in wage determination. दूसरा जो सब्सिस्टेंस थ्योरी है ये इग्नोर कर देती है, भूल जाती है दो चीज़ों को, एक तो डिमांड, जो लेबर की डिमांड है उसका रोल क्या है, और दूसरा जो ट्रेड यूनियन है उनका क्या रोल है, ये ट्रेड यूनियंस के रोल को वेज डिटर्मिनेशन में भूल जाती है, इसलिए सब्सिस्टेंस थ्योरी यहाँ पर क्रिटिसाइज करी गई है. नाउ नेक्स्ट इज सरप्लस वैल्यू थ्योरी. दिस थ्योरी ऑफ वेजेस एसोसिएटेड विद कार्ल मार्क्स. ये सरप्लस वैल्यू थ्योरी कार्ल मार्क्स से एसोसिएटेड है, इनसे लिंक करती है. जो कार्ल मार्क्स ने कहा कि वर्कर्स को पूरा कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा जब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं करेगा, और जो रेट ऑफ सरप्लस है वो डिपेंड करेगा कि सरप्लस लेबर कितने हैं उस काम को करने के लिए. मार्क्स एक्सेप्टेड रिकार्डोज व्यूज दैट द मार्केट प्राइस ऑफ लेबर पार कुड नॉट फॉर लॉन्ग डिपार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सब्सिस्टेंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दैट लेबर पार. मार्क्स ने रिकार्डो के व्यू को एक्सेप्ट किया, उन्होंने माना कि हाँ जो प्राइस होगा लेबर का वो डिपेंड करेगा कि कितना प्राइस उसके मेंटेनेंस में, कितनी कॉस्ट लेबर की मेंटेनेंस में स्पेंड हो रही है. द सप्लाई ऑफ लेबर ऑलवेज टेंडेंटेड टू बी केप्ट इन एक्सेस ऑफ द डिमांड फॉर इट बाय अ स्पेशल फीचर ऑफ अ कैपिटलिस्ट वेज सिस्टम. जो सप्लाई ऑफ लेबर है और जो डिमांड है वो दोनों ही फीचर हैं कैपिटलिस्ट वेज सिस्टम के. नेक्स्ट वी हैव द वेजेस फंड थ्योरी. एडम स्मिथ एज्यूम्ड दैट देयर प्री एग्जिस्टेड अ प्री डिटरमाइंड फंड फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस. इट वॉज द साइज ऑफ द फंड which determine the demand for labor and the wages paid to them. Wage fund theory, Adam Smith ने कहा है कि एक predetermined, पहले से ही निकाला गया एक fund है जिससे laborers को payment की जाती है wages की, और यही वो size है fund का जो demand labor की निकालता है और उनको कितना wages pay करना है वो भी determine करता है. Now वेजेस फंड थ्योरी के अकॉर्डिंग वेज जो डिटरमाइन होती है वो पहला फैक्टर होता है वेज फंड, कि वेज में कितना फंड है, कि जैसे जो कि पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल होती है जो लेबर पे स्पेंड होती है, और दूसरा कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में. तो वेज फंड जो थी वो एज्यूम की रखी थी कि वो फिक्स्ड है और वो चेंज नहीं होगी, और कुछ भी अगर वेज रेट में चेंज होगा वो चेंज होगा अगर नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे. जो भी चेंज होगा वेज फंड थ्योरी में वो चेंज सिर्फ नंबर ऑफ वर्कर्स के चेंज से होगा. अकॉर्डिंग टू वेजेस फंड थ्योरी वेजेस आर डिटरमाइंड बाय द वेज फंड और पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल व्हिच हैज बीन एक्सपेंडेड फॉर ऑब्टेनिंग द सर्विसेज ऑफ लेबर. द नंबर ऑफ वर्कर्स seeking employment. Next theory we have marginal productivity theory. The marginal productivity theory assumed that there was a certain quantity of labor seeking employment and the wage rate at which this labor could secure employment in a competitive labor market was equal to the addition to total production that resulted from employing the marginal unit of that labor force. J.B. Clark थे, उन्होंने ये थ्योरी डेवलप करी थी. उसके बाद मार्शल ने इस थ्योरी को दोबारा रिफाइन किया था. मार्शल ने कहा था कि डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ डिटरमाइन करते हैं फैक्टर प्राइस, और डिमांड और सप्लाई दोनों फैक्टर प्राइस तक डिमांड करते हैं जब वो मार्केट एकदम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, वहाँ बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे सेलर्स हैं. तो इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो कि इक्वल होती है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एज्यूम करती है कि कुछ क्वांटिटी
लेबर की जो एम्प्लॉयमेंट में है और जो वेज रेट होता है जिस रेट पे लेबर को वेजेस दी जाती हैं वो इक्वल होता है टोटल प्रोडक्शन के, जो कि रिजल्ट होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट एम्प्लॉय करने पे लेबर की। नेक्स्ट, इट वॉज ऑल्सो एज्यूम दैट प्रोडक्शन इज कैरीड आउट अंडर द कंडीशंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ लेबर। ये भी एज्यूम किया गया था कि जो प्रोडक्शन कैरी होगा वो उस कंडीशन पे कैरी होगा कि लेबर्स डिमिनिश हो रहे हैं। नेक्स्ट इज बार्गेनिंग थ्योरी। जॉन डेविडसन बार्गेनिंग थ्योरी को उन्होंने प्रपोज किया था और उन्होंने कहा था कि वेजेस और आवर्स जो काम करने के हैं वो अल्टीमेटली डिटरमाइंड होते हैं रिलेटिव बार्गेनिंग स्ट्रेंथ एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉयज़ में कितनी बार्गेनिंग पावर है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, उससे डिटरमाइंड होती है वेजेस और काम करने का समय। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज एन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ वेज रेट्स एंड द एक्चुअल रेट बिटवीन दीज लिमिट्स आर डिटरमाइंड बाय द बार्गेनिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है वेज रेट की, और जो एक्चुअल रेट होता है वो डिटरमाइन होता है कि लेबर और वर्कर की बार्गेनिंग पावर क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। द अपर लिमिट कुड बी द हाईएस्ट वेजेस दैट द एम्प्लॉयर्स वुड बी विलिंग टू पे, बियॉन्ड विच दे विल इनकर लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम हाई लेबर कॉस्ट। अपर लिमिट वो होती है, वो वेज रेट होता है जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो देना चाहते हैं। अगर वो उससे ज़्यादा पे करेंगे तो उनको ऐसा लगता है या उनकी कंपनी में उससे लॉसेस हो सकते हैं। द लोअर लिमिट कुड बी आइदर द मिनिमम वेजेस प्रिस्क्राइब अंडर द स्टैट्यू और द स्ट्रेंथ ऑफ रेजिस्टेंट ऑफ द वर्कर्स एट द सबसिस्टेंस वेजेस बिलो दे विल नॉट बी अवेलेबल फॉर वर्क। लोअर लिमिट वो वेज रेट होता है कम से कम, सबसे कम रेट जिस पे वर्कर काम कर सकते हैं। अगर इस लिमिट से भी वेज रेट कम कर दी गई तो वर्कर्स काम करने को तैयार नहीं होंगे। नेक्स्ट इज डिमांड एंड सप्लाई। अकॉर्डिंग टू मार्शल द डिटरमिनेशन ऑफ वेजेस इज अफेक्टेड बाय द होल सेट ऑफ फैक्टर्स व्हिच गवर्न द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। मार्शल के अकॉर्डिंग वेज रेट डिटरमाइंड होती है दो फैक्टर से कि लेबर की डिमांड क्या है और लेबर की सप्लाई क्या है। द एम्प्लॉयर्स डिमांड फॉर लेबर इज डिपेंडेंट ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज द डिमांड फॉर हिज और हर प्रोजेक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एक्सेट्रा। जो एम्प्लॉयर्स की डिमांड होगी लेबर के लिए वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, जैसे जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने जा रहा है, जो प्रोडक्ट वो लेबर मैन्युफैक्चर करने जा रहा है उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में, और जो अदर फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड वो क्या क्या हैं, और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कितनी है। द डिमांड प्राइस ऑफ लेबर इज डिटरमाइंड बाई द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल लेबर। जो डिमांड प्राइस होता है लेबर का वो डिटरमाइंड होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर से। वेज रेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स गवर्निंग द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। वेज रेट होते हैं, जैसे हमने पहले भी अभी डिस्कस किया है, वो डिटरमाइन होते हैं बहुत सारे फैक्टर से, पर उसमें से जो मेन फैक्टर होता है वो होता है कि लेबर की डिमांड क्या है और लेबर की सप्लाई कितनी है। नेक्स्ट इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर व्हिच डिटरमाइंस इट्स डिमांड प्राइस। इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर्कर्स दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिटरमिनेशन ऑफ सप्लाई प्राइस ऑफ लेबर। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो डिमांड प्राइस डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है, वो एक्चुअली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर्कर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो सप्लाई प्राइस ऑफ लेबर डिटरमाइन करता है। तो जो डिमांड प्राइस होता है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिटरमाइन करता है, और जो सप्लाई प्राइस होता है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर्स
उस पर डिपेंड करता है. द एक्चुअल वेज रेट इज डिटरमाइंड एट द लेवल वेयर द डिमांड फॉर एंड द सप्लाई ऑफ लेबर आर इक्वल. एक्चुअल वेज रेट जो होती है लेबर की, वो निकलती है जहाँ पे डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल होते हैं. नेक्स्ट इज परचेजिंग पावर थ्योरी. परचेजिंग पावर थ्योरी, ये पियागो एक थे, वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, वो लेकर आए थे. उसके बाद लॉर्ड किंग्स ने भी अपनी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में भी उन्होंने कुछ कहा था. इफ द वेज रेट्स आर हाई दे विल हैव मोर परचेजिंग पावर व्हिच कुड इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स and also a high level of output. Conversely, if the wage rates were low, their purchasing power would be less, which would bring about a fall in the aggregate demand. यहाँ पे कहा गया है अगर वेज रेट ज़्यादा होगी तो वर्कर्स की अगर वेज रेट ज़्यादा होगी तो परचेजिंग पावर भी ज़्यादा होगी और जो डिमांड फॉर गुड्स होगा वो अल्टीमेटली बढ़ जाएगा. सो आउटपुट का लेवल भी बढ़ जाएगा. पर इसका एकदम अपोजिट होगा, अगर वेज रेट्स कम है तो परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी और जो डिमांड होगी वो भी कम हो जाएगी. दिस विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. देयरफॉर अ कट इन द वेज रेट अकॉर्डिंग टू कीन्स इंस्टेड ऑफ रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिप्रेशन. ये एक एडवर्स इफेक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट पे और आउटपुट पे. अगर वेज रेट्स कट अगर वेजेस कट हो जाएंगी, कट कर देंगे तो दो नुकसान है. एक तो जो एम्प्लॉयमेंट होती है वेज वर्कर्स की, वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा. और दूसरा जो आउटपुट होता है, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें भी फॉल आएगा, वो भी कम होगा. कीन्स ने कहा है कि वेज रेट को कट कम करने से अच्छा है कि अनएम्प्लॉयमेंट हटा दी जाए और डिप्रेशन हटा दिया जाए. कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी. इकोनॉमिस्ट स्पेशलाइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड आर्ग्यूड अबाउट कंट्रीज इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज कॉम्पिटिटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ चीप लेबर. इकोनॉमिस्ट में कहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, जो कंट्रीज होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वो फ़ायदा उठाती हैं सस्ते लेबर का. जहाँ पे लेबर वेज रेट कम हो वो वहाँ से लेबर्स को सप्लाई करती हैं, अपनी कंट्रीज में बुलाती हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट देती हैं और उनकी वेज रेट का फ़ायदा उठाती हैं. एम्प्लॉयर्स आर नोन टू मूव टू एरियाज वेयर लेबर इज चीप, बी इट विद इन अ कंट्री और अक्रॉस कंट्रीज. एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं एम्प्लॉयज को, वो फेमस होते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए. जहाँ उनको लेबर सस्ता मिलता है वो वहाँ से लेबर को सप्लाई करते हैं, चाहे वो विद इन उसी कंट्री में सप्लाई कर रहे हों, चाहे वो अक्रॉस द कंट्रीज ला रहे हों. सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल एंड एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स लेबर ऑल्सो टेंड टू शो अ टेंडेंसी टू मूव टू एरियाज विच प्ले हायर वैल्यू फॉर द स्किल्स एंड द एफर्ट्स. कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स होते हैं लेबर्स के, वो एक हर्डल बन जाता है लेबर को एक प्लेस से मूव करने के लिए दूसरे प्लेस के मूव करने के लिए. बिसाइड्स लैंड एंड लेबर नेक्सस अदर सोशल कल्चरल रिलीजियस लिंग्विस्टिक पॉलिटिकल लीगल बैरियर्स रिस्ट्रिक्ट्स लेबर मोबिलिटी. लैंड और लेबर के अलावा लेबर में कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो लेबर को प्रिवेंट करते हैं, उनको रोकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाके एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करना या कोई जॉब ज्वाइन करना. जैसे कि सोशल फैक्टर्स होते हैं, कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, रिलीजियस फैक्टर्स होते हैं, लिंग्विस्टिक पॉलिटिकल लीगल, ये सब फैक्टर्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं, हर्डल्स क्रिएट करते हैं लेबर को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करने के लिए. When the World Trade Organization agreement provides more for mobility of capital and products but not labor. जो World Trade Organization है वो भी कहता है कि capital और products एक place से दूसरे place तक move
होते रहने चाहिए. नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरीज. हमने इतनी सारी थ्योरीज पढ़ी जिसके हमने कुछ एजम्पशंस पढ़े थे और कुछ एडवांटेजेस पढ़े. अब इनमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. जैसे इकोनॉमिक्स थ्योरीज आर आइदर एस्यूम दैट वेजेस एंड प्राइस आर आइदर फुली फिक्स्ड दैट इज केन्सियन पैराडाइम और फुली फ्लेक्सिबल न्यो क्लासिकल लिबरलिस्ट. जो इकोनॉमिक्स थ्योरी होती हैं वो दो ही व्यू बताती हैं कि जो वेज रेट होगा या जो प्राइजेस होंगे वो या तो परमानेंट होंगे, फिक्स्ड होंगे, वो चेंज नहीं होंगे, नेगोशिएबल नहीं होंगे, या तो वो फुली फ्लेक्सिबल होंगे, या तो वो जैसे मर्जी जितना लेवल्स बोलेंगे उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे. पर ऐसा नहीं होता है. देयर इज अ पॉइंट इन बिटवीन दीज टू. फुली फिक्स्ड और फुली फ्लेक्सिबल के बीच में भी फैक्टर होता है. थ्योरी वेज रेट जो होता है वहां पे भी लाए कर सकता है. नेक्स्ट इज मोस्ट वेज थ्योरीज आर बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. जितनी भी वेज थ्योरीज हैं वो इस अजम्पशन पे बेस्ड हैं. वो ये मान के चलती हैं कि जो इकोनॉमी है वहाँ पूरी तरीके से एम्प्लॉयमेंट है. पर इन रियलिटी ऐसा नहीं है. एम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है. लेबर इज नॉट एज मोबाइल एज कैपिटल एंड प्रोडक्ट्स आर. लेबर में उतनी मोबिलिटी फैक्टर नहीं है जितनी कैपिटल और प्रोडक्ट्स में है. इसीलिए जो वेज रेट्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं डिमांड के चेंजेस से और सप्लाई के चेंजेस से. इन सेवरल इंडस्ट्रीज लेबर कॉस्ट आर लेस देन दी अदर कॉस्ट. कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे लेबर कॉस्ट कम होते हैं कुछ अदर कॉस्ट से. नेक्स्ट लिमिटेशन इज वेजेस एंड बेनिफिट्स रिफ्लेक्ट इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज सोसाइटल प्रेफरेंसेस एंड प्रेजुडिस. जो वेजेस होते हैं वो इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं, अपनी खुद की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं, एज वेल एज सोसाइटी के जो प्रेफरेंसेस हैं उनको भी दिखाते हैं और प्रेजुडिस हैं उनको भी शो करते हैं. इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट एंड ट्रेड यूनियंस कुछ मिनिमाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर. गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से और ट्रेड यूनियंस के इंटरफेरेंस से जो मार्केट पे जो इफेक्ट पड़ता है डिमांड और सप्लाई के लेबर पे वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होता है. टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिविटी आर मेजर डिटर्मिनेंट्स. टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो वेज रेट डिटरमाइन करते हैं. विद द ग्रोइंग प्रेशर फॉर लिंकिंग लेबर स्टैंडर्ड्स विद इंटरनेशनल ट्रेड increasingly it will become difficult to compete on the basis of comparative advantage of cheap labor. जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है लेबर में स्टैंडर्ड्स लाने का कि कुछ वेज रेट्स में कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए एट द इंटरनेशनल लेवल इंटरनेशनल ट्रेड पे, हम इतना डिफिकल्ट होता जा रहा है कि चीप लेबर इजीली अवेलेबल हो और उनमें कंपैरिजन करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है. Now we have certain behavioral theories and relevant issues. First is hierarchy of needs. Abraham Maslow ने एक theory propose करी थी, उसको कहते हैं hierarchy of five needs. ये start होती है physiological needs से, जिसमें हमारी basic need आती है जैसे food, shelter, clothing, wages, etc. फिर हमारी safety needs आती हैं जिसमें emotional और physical सेफ्टी होती है जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन. फिर हमारी तीसरी नीड होती है लव. इट इंक्लूड्स अफेक्शन, इसमें अफेक्शन, एफिलेशन, बिलोंगिंगनेस, सोशल, ये सब इंक्लूड होता है. फोर्थ नीड आती है हमारी एस्टीम नीड, उसमें पावर, अचीवमेंट, स्टेटस इंक्लूड होता है. और फिफ्थ नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसमें एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ, उसकी रियलाइजेशन और उसकी पोटेंशियल की रियलाइजेशन पे होती है. मैस्लो बोलते हैं कि जो सेटिस्फाइड नीड होती है वो एक मोटिवेटर नहीं होता है. नेक्स्ट इज टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. एक टू फैक्टर थ्योरी बनी थी जिसको हर्ज़बर्ग ने बनाया था. उन्होंने कहा था दो चीज़ें होती हैं, एक तो मोटिवेटर्स सेटिस्फायर्स जिनको हम बोलते हैं, और एक होता है हाइजीन फैक्टर्स और डिससेटिस्फायर्स. जो इंट्रेंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं
वो मोटिवेटर्स होते हैं और जो सेटिस्फायर्स होते हैं वो रिलेट करते हैं जॉब कंटेंट से. ये इंक्लूड करते हैं जैसे अचीवमेंट, रिकग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट. और जो एक्सटेंसिव रिवॉर्ड्स होते हैं वो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं और वो जॉब डिससेटिस्फायर्स होते हैं. वो इंक्लूड करते हैं जैसे कंपनीज की पॉलिसीज होगी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, सुपरविजन, सैलरी, इंटरपर्सनल रिलेशंस, वर्किंग कंडीशंस. तो हर्बर की जो थ्योरी होती है वो एक्चुअली ओवर सिंप्लीफाई कर रही है मोटिवेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को. नेक्स्ट इज अ थ्योरी. क्लेटन एल्डरफर ने एक थ्योरी निकाली थी, अर्ग थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ थ्योरी. एग्जिस्टेंस मींस उसकी सर्वाइवल और फिजिकल वेलबींग के लिए क्या जरूरत है, रिलेटेडनेस मींस उसकी इंटरपर्सनल के लिए क्या जरूरत है, और ग्रोथ और उसकी पर्सनल डेवलपमेंट की, वर्कर्स के पर्सनल डेवलपमेंट में क्या चीज़ों की जरूरत है. एक्चुअली ये मास्लोस और हर्बर्ग्स थ्योरी से थोड़ी बहुत रिलेटेड भी है. नेक्स्ट इज प्रोसेस थ्योरी. प्रोसेस थ्योरी लुक करती है कि जो कॉग्निटिव एंटीसिडेंट्स होते हैं दैट गो इन टू द मोटिवेशन और इफेक्ट पर्टिकुलरली द वे दे रिलेट टू ईच अदर. नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. एक्सपेक्टेंसी थ्योरी विक्टर ब्रूम ने प्रपोज की थी और ये तीन कॉन्सेप्ट पे बेस होती है, वैलियंस, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी. जो वैलेंस होता है उसका मतलब है कि इंडिविजुअल की रेफरेंस कितनी है एक पर्टिकुलर आउटकम के लिए. जैसे कि जो बहुत सारे ओल्ड वर्कर्स होते हैं उनकी कुछ वैल्यू होती हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो न्यू यंगर वर्कर्स होते हैं. जो यंगर वर्कर्स होते हैं स्पेशली जो अनमैरिड होते हैं उनकी फैमिली ऑब्लिगेशंस कम होती हैं एज कंपेरिजन टू ओल्डर वर्कर्स. जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन उनको कोई पार्ट नहीं होता, उनकी सैलरी का, हेल्थ बेनिफिट्स, लीव, ट्रेवल कंसेशन एंड लाइक ऑल दैट. नेक्स्ट इज इक्विटी एंड एट्रीब्यूशन थ्योरीज. इक्विटी एंड एट्रीब्यूशन थ्योरीज ये लेकर आए थे जे स्टासी एडम्स. इन्होंने प्रपोज की थी. इन्होंने कहा था कि जो इक्विटी है वो तब होगी जब हमारी पर्सनल आउटकम्स इक्वल हो जाएंगी हमारी अदर आउटकम्स से, या तो जो पर्सन की इनपुट्स है वो इक्वल हो जाएंगी अदर इनपुट्स से. नेक्स्ट इज एट्रीब्यूशन. एट्रीब्यूशन फ्रिट्ज हेडर और लेविन फेस्टिजन लेकर आए थे. ये एज्यूम करते हैं कि पीपल जो होते हैं रैशनल होते हैं और लॉजिकल होते हैं अपने बिहेवियर में, और वो दोनों ही इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस को कंबाइन करके डिटरमाइन करते हैं बिहेवियर. नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशन फॉर कंपनी पॉलिसी. नाउ हियर वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस डू इट योर सेल्फ. फर्स्ट वन इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द थ्री कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन. सेकेंड इज एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विटी. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू.